Hello students, so today we are going to start the section 4, the last section of this semester. So in this section we will discuss about the separation of variable first. So what will be the separation of variable? Separation of variable, जैसे भी आप पहले graduation में study कर चुके हैं, what is that? Separation of variable is the method to solve the PDE. हमारे पास PDE है, जो भी इसका solution बनेगा उसे हम दो फंक्शंस के कम्बिनेशन के रूप में लेके चलते हैं सॉल्यूशन को. ओके, तो ये है हमारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, ताकि दो इंडिविजुअल हम फंक्शन लेके चलते हैं अलग अलग वेरिएबल्स के, और फिर उन वेरिएबल से अलग अलग ओडी बना दे और उन ओडी को सोल्व करे तो हमारी रिस्पेक्टिव पीडी सोल्व हो जाए. तो ये हम एक्चुअल में करना चाह रहे हैं. तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एज पर द डेफिनेशन इज गिवन ओवर हियर, द मेथड ऑफ द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पीडी बाय टेकिंग द सॉल्यूशन एज अ कम्बिनेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट वेरिएबल्स. So solution of the example, you can say solution of the heat equation, so solution of the Hamilton Jacobi equation. So इसके बाद हमारे पास है आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन कैसे है, कि मान लीजिए यू सबसेट ऑफ आर एन इज ओपन एंड बाउंडेड सेट. ओके, एंड वी से दैट कि लैम्डा हमारी आइगन वैल्यू होगी इस ऑपरेटर की माइनस डेल्टा की, और ये ऑपरेटर हमने किस में लिया, यू पर लिया है. सो कहने का मीनिंग है, अगर इसे हम आइगन वैल्यू तब बोलेंगे माइनस डेल्टा की, अगर देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन w विच इज़ नॉन जीरो, एंड इफ माइनस ऑफ डेल्टा w इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ w, लैम्डा इनटू w इन u, एंड दैट फंक्शन w इज इक्वल टू जीरो ऑन द बाउंड्री ऑफ u. ओके, सो अगर माइनस डेल्टा w इज इक्वल टू लैम्डा w इन u एंड w इज इक्वल टू जीरो ऑन इट्स बाउंड्री, तब उस केस में हम इस लैम्डा को कहेंगे आइगन वैल्यू, और करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन हमने सपोज किया ये एग्जिस्ट किया, इस फंक्शन को हम कहेंगे आइगन फंक्शन, करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन. ओके, उस लैम्डा के लिए ये करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन हो जाएगा. सो ये आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन की डेफिनेशन हमारी फर्दर यूज होगी, दैट्स व्हाई वी डिस्कस ओवर हियर. जो सबसे पहला हमारा आर्टिकल आता है, मान लीजिए हीट इक्वेशन को हमें सोल्व करना है बाय द सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल, एंड द स्टेटमेंट इज हियर कि अगर आपका प्रॉब्लम इस टाइप से है, लेट यू इज अ सबसेट ऑफ आर एन बी ओपन एंड बाउंडेड, सो यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम फॉर हीट इक्वेशन. इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है. सो प्रॉब्लम हमारी क्या है, यू टी माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो इन यू क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी, यू इक्वल टू जीरो ऑन कर्ल यू क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी बाउंड्री पर, एंड यू इक्वल टू जी इनिशियल कंडीशन हमारी क्या है, यू इज इक्वल टू जी, यानी कि u की वैल्यू x कोमा जीरो पर क्या होगी, g ऑफ x. ओके, दैट इज अंडरस्टूड बाय द स्टेटमेंट यू कैन. सो हमें क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन बाय द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल यू हैव टू फाइंड आउट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी ये प्रॉब्लम है उसको हमने इक्वेशन वन सपोज किया है प्रॉब्लम को. सो वी सपोज दैट कि हमारी जो गिवन प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है, यू एक्स टी. हम यू एक्स टी को मानकर चल लेते हैं, दो इंडिपेंडेंट फंक्शंस के हमने कंबिनेशन के रूप में मान के चल रहे हैं. तो यू एक्स टी को हमने क्या, टी का फंक्शन अलग मान लिया और यू डब्ल्यू एक्स का फंक्शन अलग मान लिया. तो इन दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को हमने माना है कि दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. तो यू एक्स टी है, सो यू एक्स टी को मान लिया फंक्शन ऑफ टी इंटू फंक्शन ऑफ एक्स, सो वी टी इंटू वी एक्स वी सपोज दैट. तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, यू टी माइनस डेल्टा यू, यानी कि यू टी की वैल्यू और डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है. अगर हम टी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करते हैं दोनों तरफ, तो टी का डेरिवेटिव हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हो यू टी, तो ये टी का डेरिवेटिव हो जाएगा वी डैश टी, और डब्ल्यू ऐसे कैसे. अगर मैं डेल्टा ऑफ डब्ल्यू निकाल रहा हूँ, दैट मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, तो वी टी ऐसे कैसे रहेगा आपका, और डब्ल्यू का डेरिवेटिव हो जाएगा डेल्टा ऑफ डब्ल्यू टी बिकम्स. तो अगर मैं इक्वेशन में रखता हूँ, इक्वेशन आपकी क्या थी, यू टी माइनस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो. तो हमने ये सपोज किया ना, यू एक्स टी उसका सॉल्यूशन है, अगर यू एक्स टी सॉल्यूशन है तो कहने का मीनिंग है उससे सेटिस्फाई करेगा, यू टी माइनस डेल्टा यू ऑफ एक्स टी विल बी इक्वल टू जीरो. लेकिन यू टी की वैल्यू हमने क्या किया, ये सब निकाल लिया और डेल्टा यू की ये दोनों वैल्यू प्लेस बैक करने के बाद दिस वन, तो हम सेपरेट कर देते हैं, टी के पास टी वाला ले आते हैं, एक्स के पास एक्स वाला ले आते हैं. तो हमारे पास ये बन गया वी डैश टी ओवर वी टी एंड डेल्टा डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू दैट बिकम्स. लेकिन जो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये तो फंक्शन किसका है, टी का बनेगा, और ये जो राइट हैंड साइड है ये फंक्शन किसका बनेगा, एक्स का बनेगा. लेकिन इक्वेशन थ्री कहती है दिस टू आर इक्वल. अब टी का फंक्शन एक्स का फंक्शन बोथ कैन बी इक्वल, ये तो इक्वल हो नहीं सकते, बट ओनली इन वन केस दे कैन बी इक्वल, अगर ये दोनों के दोनों किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल आते हैं, ओनली इन दैट केस दे विल बी इक्वल. ओके, सो यू विल से दैट वी सपोज दैट विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और यू कैन से दैट द थ्री विल बी पॉसिबल ओनली इफ दे आर इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट. सो वी सपोज दैट देयर इज सम कॉन्स्टेंट म्यू एंड वी सपोज दिस इज इक्वल टू म्यू. दोनों इक्वल है तो इंडिविजुअली मैं इसे इक्वल और इसे इक्वल टू म्यू लेके चल देता हूँ.
अगर मैं फर्स्ट वी डैश टी ओवर वी टी को म्यू के ऊपर लेके चलता हूँ, सो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में, सो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ वी टी इज इक्वल टू म्यू टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यहाँ से वी टी की वैल्यू निकालते हैं तो एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा राइट हैंड साइड ई म्यू टी प्लस ए, तो ई रेस्ट वार म्यू टी अलग हो जाएगा इन टू ई रेस्ट वार ए। ई रेस्ट वार ए को मैं क्या सपोज कर दे तो बी। अब जो ई की पावर है ए, ए हमारा कोई कॉन्स्टेंट है, अगर मान लीजिए ये कॉन्स्टेंट वट एवर द वैल्यू इज देयर दैट विल नॉट बी जीरो, ऑब्वियसली इट इज फाइनाइट। सो हम कहेंगे कि ये बी हमारा नॉन जीरो होगा, एक्सपोनेंशियल वैल्यू है सो बी विल बी नॉन जीरो। ओके, ये ध्यान रखना कि बी विल बी कॉन्स्टेंट विल बी नॉन जीरो। तो वी टी की वैल्यू क्या आ गई हमारी बी इंटू ई रिस्ट वॉर म्यू टी। राइट हैंड साइड में था हमारा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू इंटू डब्ल्यू एक्स। तो अभी हम जो ये प्रॉब्लम मान के चले कि यू एक्स टी हमने सोल्यूशन माना था किसका, हमारी हमारी प्रॉब्लम का यू एक्स टी इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन वन, लेकिन इक्वेशन वन क्या थी यू टी माइनस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो इन यू क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी, ये लेके चल रहे हैं। तो कहने का मीनिंग है अगर एक्स का फंक्शन होता है तो यू की बात करेंगे और यू एक्स टी का होता है तो जीरो टू इन्फिनिटी की बात करेंगे। तो हमारे यहाँ पर क्या है डब्ल्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू इनटू डब्ल्यू इन यू। ओके, यू के ऊपर बात चल रही थी हमारी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी आपने आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन की बात की थी, वहाँ पर क्या था अगर डेल्टा ऑफ डब्ल्यू सॉरी माइनस डेल्टा ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट लैम्डा इंटू डब्ल्यू हो जाए यू में इन यू, एंड क्या हो जाए कि अगर मेरे पास डब्ल्यू आ जाए जीरो बाउंड्री पर, तब हम कहेंगे कि लैम्डा मेरा क्या होगा आइगन वैल्यू हो गया और डब्ल्यू मेरा कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसे मैं माइनस डेल्टा सपोज कर देता हूँ, माइनस डेल्टा इज इक्वल टू मतलब डेल्टा इज इक्वल टू ये है ना डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू इंटू डब्ल्यू। तो यहाँ से ये सोच लो कि म्यू आपका किसके इक्वल है माइनस ऑफ लैम्डा के इक्वल है, अगर मैं उस इक्वेशन से करता हूँ ओके चेक करता हूँ तो यू कैन से दैट कि माइनस लैम्डा की जगह क्या है म्यू है, और अगर w इक्वल टू जीरो आ जाए तब मेरे पास आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू वाली बात हो जाएगी। यानी कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि w इक्वल टू जीरो बाउंड्री पर आ रहा है, तो बाउंड्री कंडीशन को यूज करते हैं। बाउंड्री कंडीशन के लिए हमारे पास क्या था स्टेटमेंट अभी थी आपकी u इक्वल टू जीरो है, अगर इस बाउंड्री की बात करते हैं u इक्वल टू जीरो है, तो इस वाली कंडीशन को हम यूज कर लेते हैं कि अगर u जीरो है आपका u जीरो है किस पर बाउंड्री क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी पे, तो u आपका क्या है vt क्रॉस w v इंटू w है। तो v की वैल्यू अभी आपने लिखी है b इंटू ई रेस्ट टू म्यू टी इंटू w, लेकिन b इंटू ई रेस्ट टू म्यू टी क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कभी जीरो होगा नहीं, और ये कॉन्स्टेंट b हमने पहले बता चुके हैं कि b हमारा जीरो नहीं है, तो इनके दोनों वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो इंटू में जो w है w विल बी इक्वल टू जीरो किस पर बाउंड्री पर। अगर आपका w बाउंड्री पर जीरो आ गया तब मैं इस कंडीशन को जो हमने ये ऊपर दिखाई थी इक्वेशन 5 इस इक्वेशन के साथ लेके चल देते हैं। तो इस इक्वेशन को मैंने रीराइट करके ये लिख दिया कि डेल्टा डब्ल्यू तो क्या आ गया म्यू इंटू डब्ल्यू इन यू में, और डेल्टा और डब्ल्यू ए इक्वल टू जीरो हमने दिखा दिया बाउंड्री पर। सो ये हमारी डेफिनेशन बन गई किसकी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन की। तो देखो वहाँ पर माइनस डेल्टा था तो माइनस को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो वहाँ पे बनता माइनस लैम्डा इंटू डब्ल्यू, लेकिन माइनस लैम्डा की जगह क्या है म्यू, तो हमने लिख दिया माइनस लैम्डा इज इक्वल टू म्यू है, लेकिन लैम्डा आइगन वैल्यू है तो लैम्डा की वैल्यू निकालता तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ म्यू। सो कह रहे हैं लैम्डा इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू आइगन वैल्यू है, और जो डब्ल्यू है वो कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो यू एक्स टी की अगर मैं वैल्यू देखता हूँ तो यू एक्स टी हमारा क्या था यू एक्स टी वॉज बी इंटू ई रेज़ टू पावर म्यू टी प्लस डब्ल्यू, लेकिन म्यू क्या है म्यू की वैल्यू मेरी क्या आई है माइनस ऑफ लैम्डा, क्योंकि लैम्डा आइगन वैल्यू है ना, तो उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम यहाँ पर कि ई रेज़ टू पावर म्यू की जगह रख दिया माइनस लैम्डा इंटू डब्ल्यू, ये मेरे पास सोल्यूशन बना है एक्चुअल में। तो अगर मैं डब्ल्यू की भी वैल्यू निकाल के रख दूँ सो दैट विल बी योर सोल्यूशन। तो हम डब्ल्यू की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, लेकिन हमें पता है एक मैं इनिशियल कंडीशन अगर यूज करता हूँ इनिशियली कंडीशन जो अपने स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि यू क्या था जी इक्वल टू जी था कहाँ पर टी इक्वल टू जीरो पर इनिशियली, तो यू एक्स जीरो इक्वल टू जी एक्स, तो जो मेरा फंक्शन सॉल्यूशन आया है उसमें हमारे पास यू एक्स टी किसके इक्वल आया है यू एक्स टी इज इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पर मैं टी को जीरो पुट कर देता हूँ, टी को जीरो पुट करूँगा तो ये वन हो जाएगा। ओके, बी इंटू डब्ल्यू किसके आ जाएगा यू एक्स जीरो के इक्वल, लेकिन यू एक्स जीरो किसके इक्वल है जी एक्स इक्वल, तो जी एक्स इक्वल टू बी इंटू डब्ल्यू, तो हमारे पास ये आ गया जी एक्स इक्वल टू बी इंटू डब्ल्यू, लेकिन डब्ल्यू एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी वन बाई बी इंटू जी एक्स। ओके, तो हमने क्या किया इस डब्ल्यू की वैल्यू दोबारा से यहीं पर प्लेस बैक कर दो, तो दोबारा से वैल्यू पुट करूँगा मैं डब्ल्यू की तो क्या आ जाएगा बी इंटू ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी इंटू वन बाई बी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा क्या आ गया ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा टी इंटू जी एक्स, वी आर लैम्डा इज द आइगन वैल्यू। सो दिस विल बी द सोल्यूशन ऑफ आवर
प्रॉब्लम, जो हमने हीट इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना था बाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, वी आर डन बाई दैट मेथड. सो प्लीज़ हैव ए लुक ऑन दैट. सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.